दोस्तों आप जानते हैं कि ये चुनाव और इस चुनाव में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि देश के प्रधानमंत्री ही इस आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन हम देश में लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं कि नहीं है। इसीलिए हम नियम कानून का पालन करेंगे और नियम कायदा ये कहता है कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। इसीलिए मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राज्य के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जिले के जो वरिष्ठ नेता हैं और हमारे समर्थन में डॉक्टर कफील खान से लेकर सहला राशिद से लेकर एमयूएसयू के प्रेसिडेंट और तमाम लोग जो इस सभा में मौजूद हैं, लेकिन मैं उनको बतौर स्पीकर यहां नहीं बुला सकता हूं, इसके लिए मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं माफी मांगना चाहता हूं जो आम यात्री हैं इस सभा की वजह से, इस यातायात में जो थोड़ी सी परेशानी हुई है और हमारी विशाल रैली के चलते, विशाल जन जन जत्था के चलते जो परेशानी हुई है, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे बेगूसराय जिला में चुनाव है, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो रहा है और आप में से कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता। खुद भाजपा के लोग जो मोदी मोदी का मंत्र जपते हैं वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो बात 2014 में बनारस के लिए हो रही थी वही बात 2019 में बेगूसराय के लिए हो रहा है। कुछ तो बात है इस मिट्टी में, बेगूसराय की चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन हम लोगों को एक बात समझना होगा कि इस बेगूसराय की चर्चा में एक और बड़ी खतरनाक चीज हो रही है। वो खतरनाक चीज ये है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए लगातार बेगूसराय की धरती का अपमान कर रही है। अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? अमित शाह चल करके आते हैं और दिनकर जी की पुण्यतिथि के मौके पे कहते हैं कि दिनकर जी की जयंती है, और जब बेगूसराय के लोग जो मंच पर खड़े थे उन्होंने टोका तो कहते हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि में कोई अंतर नहीं होता है। जिनको जयंती और पुण्यतिथि का अंतर नहीं मालूम हो वो क्या खाक इस देश को चलाएंगे, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ। और भाषण के पहले वाक्य से लेकर आखिरी वाक्य तक जो एक बात कॉमन थी वो ये थी कि वो सामने से झूठ बोल रहे थे। और झूठ इस तरीके का झूठ कि एक कहावत बड़ी मशहूर है, थोथा चना भाजे घना। तो ये जो थोथा चना थे ये बहुत घना बाज रहे थे, लेकिन बाजते बाजते वो बाज गए जो इनको बाजना नहीं था। इन्होंने कहा कि बरौनी फर्टिलाइजर बंद हुआ है कांग्रेस के जमाने में। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस में थे, आडवाणी जी को भी कांग्रेस में भेज दिया है। ये अपने भी राजकाज को कांग्रेस का राजकाज बताते हैं और बीच में जो भाजपा का शासन है उसको जोड़ करके कहते हैं कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है कि आप अगर उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप एक बात महसूस करेंगे कि उनके पास इस देश के लोगों के लिए, बेगूसराय के आम आवाम के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए वो यहाँ आए हैं, बेगूसराय को अपमानित किए हैं और झूठ बोलने का काम किए हैं। इसीलिए मैं आप तमाम बेगूसराय के लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आज जब आप बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार को देख रहे हैं तो आपने एक चीज गौर से देखा होगा कि हमारे लोग जो इस लड़ाई में ये समझते हैं कि अगर लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है तो वो लोगों के सवाल पर होगा, वो लोगों के मुद्दों पर होगा, वो घर घर जा रहे हैं और बेगूसराय के लोगों को बता रहे हैं कि उनका मुद्दा क्या है, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सवाल क्या है। लेकिन आप देखेंगे कि जो भाजपा के लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इस बात का कि वो
क्या काम किए हैं ये जनता को बताने के लिए तैयार नहीं है। वो ये गिना रहे हैं कि विपक्ष की क्या कमी है। आप मुझे बताइए कि अगर विपक्ष में कमी नहीं होती, अगर विपक्ष के ऊपर जनता ने सवाल नहीं खड़ा किया होता, तो आप बताइए कि क्या बेगूसराय के लोग या देश के लोग विपक्ष को दोबारा मौका देते या दोबारा मौका नहीं देते। लोकतंत्र में ये सवाल नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है, लोकतंत्र में ये सवाल होना चाहिए कि सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। विपक्ष ने क्या किया उसका लेखा जोखा जनता ने देखा। अगर जनता उससे खुश होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, फिर से मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होते। अगर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं बने और नरेंद्र मोदी को लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया, इसका मतलब ये है कि मोदी जी आप जो है बाल पोथी की मनोहर कहानियां मत बनाइए, ये मत समझाइए कि नेहरू जी क्या थे, ये बताइए कि आपने क्या किया है लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब दीजिए कि लोगों को 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली, इस बात का जवाब दीजिए। इस बात का जवाब दीजिए कि आपने नारा लगाया था पिछले चुनाव में, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ, क्या हुआ किसान का। किसान की हालत ये है कि 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है और किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ये है किसानों की हालत इस देश में। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस बार बनारस में तमिलनाडु के 111 किसानों ने यह संकल्प लिया है कि इस झूठे प्रधानमंत्री के खिलाफ वो नामांकन भरेंगे, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे बनारस से, ये उनका फैसला। एक तरफ किसान मर जाए खेतों में और उनका बच्चा जवान मर जाए देश की सीमा पर, ये अपनी पीठ थपथपा करके फर्जी राष्ट्रवाद का नारा लगा करके इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। इस बात को आप क्या होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्र राष्ट्र के लोगों से बनता है। अगर देश में किसान आत्महत्या कर रहे हो, अगर 45 साल में देश सबसे ज्यादा बेरोजगार हो, अगर इस देश में इंजीनियरिंग करने के बाद नौजवानों को कहा जाए कि आप पकौड़ा बेचिए, ये शिक्षा का अपमान है, ये लोगों का अपमान है। इस बात का ये कितनी अजीब बात है कि जो मंत्री जी 10वीं फेल है वो मंत्री बनेंगे और जो इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, वो पकौड़ा तलेगा, ये किस बात का न्याय है। दोस्तों ये गंभीर सवाल है, इस सवाल को आप समझिए कि जिनके बच्चे शहादत दे रहे हैं, जिनके पिताजी खेतों में मर रहे हैं, ये दोनों किसान से लेकर जवान तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीएसएफ का वो जवान तेज बहादुर यादव बनारस से चुनाव लड़ रहा है और 111 किसान बनारस से चुनाव लड़ रहा है, ये इनकी हकीकत है। और अमित शाह आकर के राष्ट्र कवि की इस धरती पर हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए आए थे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कौन कर रहा है टुकड़ा टुकड़ा इस देश का। अपने दिल पर हाथ रखिएगा और एक बार सोचिएगा कि किसने इस देश को टुकड़ा टुकड़ा करने का प्लान बना रखा है। आप जरा उसके बारे में समझिए। चुनाव हो रहा है, बेगूसराय में चुनाव हो रहा है, एक सेकेंड हैंड मिनिस्टर हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, सेकेंड हैंड नारा लेकर। और वो सेकेंड हैंड मिनिस्टर, उनकी सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि आप उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल जाकर के चेक कर लीजिए, उनकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। किस बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजा जाएगा इस बात की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जब हमने ये सवाल पूछा कि आप कहाँ के मंत्री हैं, आप देश के मंत्री हैं, हिंदुस्तान के मंत्री हैं कि पाकिस्तान के मंत्री हैं, गिरिराज बाबू जरा आप ये हमको समझा दीजिए। आप बात बात पे कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो मोदी जी की रैली में नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा, खुद ही कंबल तान करके सो गया। पहले कहलखिन कि कुछ भी हो जाए हम नवादा से ही चुनाव लड़ेंगे, नवादा से यदि नहीं लड़ने दिया जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संन्यास तो वो नहीं लिए, बेगूसराय के लोग उनको
संन्यास नहीं देगा, दीजिएगा की बुझल खिन फड़किया दीरा छिके परैया घोड़ा ले गई थी जोत के चल जाती बेगूसराय की धरती छिके बेगूसराय की धरती। और पिछला 5 साल में लगातार इस सरकार ने बेगूसराय की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया है। इस बात को आप हमको सोच करके बताइए कि किस मुंह से इन्होंने इस मिट्टी के लाल को गद्दार कहने का काम किया। इस बात को आप सोच करके छोड़ दीजिए, हो सकता है कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो, मान लेते हैं एक बात की, लेकिन एक बात बताइए, खुद पे भरोसा है कि नहीं है? अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपका दिल कहता है कि बेगूसराय में गद्दार पैदा हो सकता है? सोच के बताइए, ये किस मुंह से आकर के बेगूसराय में कहते हैं कि नमूना है? हे साहब, हम तो नमूना नहीं है, लेकिन आपको देख करके लगता है कि आप गोडसे का नमूना है। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये धरती डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरती है, ये धरती शहीद आजम भगत सिंह की धरती है, ये धरती महात्मा गांधी की धरती है, ये धरती बेगूसराय एक से एक शहीदों की धरती है। इसीलिए अगर आप हमारा नमूना देखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री से जरा कान में पूछ लीजिएगा और बताइए कन्हैया याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नमूना तो हमने आपको दिखाया है, नमूना तो हमने आपको दिखाया है कि जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, अपने लुटेरे दोस्तों को बुला लीजिए, खरीद लीजिए उनके दम पर अपने मीडिया चैनलों को, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कॉर्पोरेट से पावर से ज्यादा पावरफुल इस देश में पीपुल्स पावर होता है। आपको एक बुरे सपने की तरह याद आएगी और आपको एक बुरे सपने की तरह याद आ रहा है, इसीलिए आप अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं, एक मिनिस्टर साहब को चुनाव लड़ने के लिए भेजे हैं, मंत्री जी कहते नहीं हम बेगूसराय नहीं जाएंगे। अमित शाह बोले कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप बस किसी तरह से हिंदू मुसलमान करके शमशान कब्रिस्तान करके बेगूसराय से चुनाव जीत करके आ जाइए, हम आपको कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे। बेगूसराय के लोग टुकड़ा पर पड़े छह, जो इस देश में चापलूसी के टुकड़े पे पलते हैं वही इस देश में मजदूर और किसानों के लड़ने वाले लोगों को टुकड़ा टुकड़ा कहते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। और ये जो चापलूसी के टुकड़े पे पलने वाले लोग हैं, इस देश को जो लूटने वाले पूंजीपति हैं, उनके टुकड़ों पे जो पलने वाले लोग हैं, इस देश में किसानों जवानों और इस देश के आम आवाम मेहनत कश की जो आवाज है उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, आप कितना भी झूठ बता लीजिए, लेकिन बेगूसराय के लोग अपना सच जानते हैं और बेगूसराय के लोगों को ये मालूम है कि बेगूसराय की धरती राष्ट्र कभी पैदा करती है, राष्ट्र को ही नहीं पैदा करती है। और रही बात मुकदमे की, रे साहब एक क्या 1000 मुकदमा कर लीजिए, हम तो जेल से निकल करके ही कह दिए थे कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना, जब तक जेल में चना रहेगा डर नहीं लगता है आपसे, डर नहीं लगता है, आप पूरी कोशिश कर लीजिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, आपको जितना हमको गद्दार कहना है कह लीजिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सच को कोई बदल नहीं सकता। बदल सकता क्या? HDFC बैंक के सामने हम खड़ा हो कहिए SBI छिके, SBI है जी, बोलो एक सौ बेर SBI HDFC SBI हो जीता है, हमारा बगल में आपको कहते देशद्रोही हो जाएगा। अरे गलती किए हैं यदि तो बकवास करना बंद कीजिए, सबूत पेश कीजिए, और हम जानते हैं कि आप अपना सबूत मिटाने में माहिर हैं, लेकिन हम अपना कोई सबूत नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि हमारा सबूत देश को तोड़ने के लिए नहीं, देश को जोड़ने के लिए है। इस बात को याद रखिएगा, जो लोग इस देश में
चुनाव के वक्त हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, जो लोग चुनाव के वक्त में शमशान और कब्रिस्तान कर रहे हैं, जो लोग चुनाव के वक्त में मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं, दरअसल वो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमको एक बात कह देते हैं कि इस धरती को अगर किसी चीज ने बचाई है तो वो है इस देश की गंगा जमुनी तहजीब। और गंगा जमुनी तहजीब ये होता है कि जब हम बुतरू रहिए ना तो हमारा भी रंग लोग नारा लग रहे हैं, भारत माँ के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम उन नारों को सुन करके बड़े हुए हैं, और जितना छोटा दिमाग है उतने छोटे दिमाग से ही ये समझने की कोशिश करते थे कि इस देश की क्या खास बात है। रमजान जब आप बोलेंगे तो राम का नाम आता है, और दिवाली जब आप बोलेंगे तो अली का नाम आता है। ये इस देश की खासियत है कि एक मुसलमान का लिखा हुआ गाना हिंदुओं के मंदिरों में बजता है। ये इस देश की खासियत है, ये इस देश की खासियत है कि आप इलाकों में घूम करके देख लीजिए, आप कई बार हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं कर पाएंगे। जो लोग हिंदू और मुसलमान में फर्क कर रहे हैं, जो लोग ब्राह्मण और दलित में फर्क कर रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर इस देश में मुद्दे की राजनीति हो, अगर लोकतंत्र में लोगों के सवाल को महत्व दिया जाए, तो सोच करके हमको बताइए, दिल पर हाथ रख करके आप हमको बताइए कि अच्छा यूनिवर्सिटी यदि बेगूसराय में बनेगा, बढ़िया अगर विश्वविद्यालय बेगूसराय में बनता है, तो खाली बावने पढ़ते कि दलितों पढ़ते, खाली दलित पढ़ते कि भूमिहारों पढ़ते, खाली हिंदुए पढ़ते कि मुसलमानों पढ़ते, बढ़िया अस्पताल बनते तब दुकानदार के पास जाए छो सामान ले लग, ये पूछ के सामान नहीं दे छो कि नहीं हिंदू हो तो नहीं देंगे, ये पूछ के नहीं दे छो कि मुसलमान हो तो नहीं देंगे। अच्छा तो मोदी जी जो 2000 नोट निकाल रखी है ओकरा एक दिन उठा के फेंक लो रोड पर, आ देखो कोई ओकर जाए पूछ के उठबे तब समझिए। कोई अगर कहे रूपा ले घर नहीं एक हम नहीं छूब एक दलित छुल गए, कोई कहे नहीं नहीं तो मुसलमान के हाथ से अलै है, मीट जो काटे है ना वह 2000 नोट ले है आ खुला कह के वह हाथ से दे है, आ फिर जेबो ना सुनो सुनो हम बतबे छो कागज के रूपा छे, आ फिर जेबो ना पूजा घर में अगरबत्ती खरीदे ले देव वह लेतो ले है कि नहीं ले है। एक बात हमारा सोच के बतब, रूपा खरीद नहीं केकरो हिंदू मुसलमान ले जाए माल घड़ी रूपा घड़ी आवे छे काय दो चुनाव घड़ी हिंदू मुसलमान होय छे ये करचाल छे सोचे छे हस्त से बुझाबा ई चलते होय छे कि तुम वोट दई घड़ी ना जब जाओ मशीन में तो खोजो कि मुसलमान कहाँ छे हिंदू कहाँ छे भूमिहार कहाँ छे या यादव कहाँ छे ब्राह्मण कहाँ छे या दलित कहाँ छे तब तो हुआ तोरा विकास नहीं खोजे छो वोट देबो जात के नाम पर खोजबो विकास वोट देबो धर्म के नाम पर खोजबो स्कूल वोट देबो जात पात धर्म के नाम पर खोजबो सड़क। एक बात सोच लीजिए, ये साजिश एक दिन में हमारे खिलाफ नहीं रची गई है, इस साजिश को बड़ी ध्यान से गढ़ा गया है बुना गया है, और इस ट्रैप में हम इस तरीके से फंस गए हैं कि एक बार सिखाया गया पंछी को कि शिकारी आएगा दाना डालेगा भूल से उसमें फंसना नहीं, शिकारी आया भी दाना भी डाला, पंछी बोल भी रहे थे शिकारी आएगा दाना डालेगा भूल से उसमें फंसना नहीं। इस बार नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे हमको मालूम है क्योंकि ये बेगूसराय जिला है। लेकिन जो चुनाव प्रचार के दौरान हुआ है उसको जरा आप गौर से देखिए, एगो नेताजी एलखिन बंडिल पिन के बुझलो भोरे पान खैने सीकी खोसने सब कुछ तो ठीक है, कन्हैया को भूमिहार में भोटी नहीं है, ई बात मुसलमान टोला में जाए कहलखिन, आ साँझ चल गलखिन भूमिहार टोला में, हम देखिए सब कुछ तो ठीक है लेकिन मुसलमान तो मुसलमान को वोट देगा तो जो है वहाँ तो उसको वोटे नहीं है, एक के आदमी ई टोला में एक बात आ ऊ टोला में दूसरा बात। एक बात बताओ हमें पूछे छो तोरा सबसे कि हमरा जब कोई वोट दैये नहीं रहले हन
ई परेशान कथिल छथिन कथिल कथिल काला झंडा लेके हमर स्वागत करे लावे छथिन। अभी रास्ता माय करे रहिए तो एगो नूनू हमरा भाजपा के झंडा देखा करे रहे तो हमरा गिरिराज जी के बयान याद आ गेले। गिरिराज जी कहलखिन की हरा रंग पर पेन लगा देना चाहिए। अरे पूर्वक बेल लगबे पहले अपन झंडा हटा रंग बदलो भाजपा झंडा देख लो हां हरियर रंग छै कि नहीं बुझन जे अपन झंडा ठीक से नहीं देखलखिन वो बेगूसराय ठीक से देख तू नहीं पर चक्कर साहेब।